नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों ये मैं घटना चक्र का बीपीएससी का पूर्व तो बैक ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है आप देख सकते हैं नीचे 38वीं से लेकर के आपका 65वीं तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है सब इसमें समाहित किया गया है। और इसका हल प्रश्न पत्र है, इसमें देख लीजिए कौन कौन सा भारतीय इतिहास है, भारतीय राज्य व्यवस्था, समसामयिकी, विविध बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य भूगोल है, सामान्य गणित एवं तर्क शक्ति परीक्षण। चलिए दोस्तों इसको हम पलटते हैं और देखिए इसमें क्या क्या है। घटना चक्र का पूर्वावलोकन इसको हम कुछ पढ़े हैं और हम सोचे कि चलिए इसका भी एक वीडियो आपको बना के दे देते हैं। इसका एक ओवरव्यू ले लीजिए बुक का, प्राचीन भारतीय इतिहास में ये किस साल कौन सा क्वेश्चन पूछा गया सब इसमें सेक्टर वाइज सेक्टर दिया हुआ है। इसे आपका इतिहास का अलग सेक्टर है, भूगोल का अलग सेक्टर है, हिस्ट्री का अलग सेक्टर है, इकोनॉमिक्स का अलग सेक्टर है। इसमें देख सकते हैं आप फर्क से बना हुआ है। और ये देख लीजिए अनुक्रमणिका इसका, प्राचीन भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, सामान्य भूगोल में आपका विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान में आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सामान्य गणित एवं तर्क शक्ति परीक्षण, समसामयिकी, बिहार राज्य संबंधित प्रश्न। इसमें देखिए पहला क्या है, भारत में पशुपालन एवं पहले आप इसका एक ओवरव्यू ले लीजिए, प्राचीन भारत का इतिहास इसमें किस साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से हुए हैं, मेहरगढ़ से। इसका डिस्क्रिप्टिव नीचे दिया गया है। निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथ युग भी कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथ युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल रंग का। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने का निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ में चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरा चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों को ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। दोस्तों वो कुछ भी अगर डिस्टर्ब हो रहा हो तो इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि बगल में कुछ काम चल रहा है घर में। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में। इसका डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले इसका कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो पक्की ईंटों से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन की माना जाता था। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंटें से बनी इमारतों मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख था। इसकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो लोथल। हड़प्पे नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थान से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, तो बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ, जो कि आपको 60वीं और 62वीं बीपीएससी प्री में 2016 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नीचे सबका दिया हुआ, किसके साल में किस शेड्यूल में एग्जाम हुआ है और सब इसमें नीचे में आपको बताया हुआ किस ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उल्लेखन से संबंधित नहीं है, तो बीए स्मिथ। आप इसको वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिप्टिव। बोगाश कोई का महत्व इसलिए है, इसका सही अंतर है, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। 10वां नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है। ये 42वीं बीपीएससी प्री 1997-98 में क्वेश्चन पूछा गया और भी बहुत एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों का राजा सुरदास ने 10 राजाओं को एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु दु यदु पुरु तुर्वुस तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसे पुरोहित विश्वामित्र थे। दोस्तों अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी जो मेरे दोस्त भाई लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके।
ऋग्वेदों का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल। नौवां मंडल जो है वो ऋग्वेद को पूर्णतः समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। नवम मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मुंजवत पर्वत से प्राप्त किया जाता है। ऋग्वेद के दसम मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इसपेका नामक देवता। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है जिसके रचनाकार विश्वामित्र थे। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, कुंडग्राम में। इसका डिस्क्रिप्टिव देखिए क्या है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम के कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता दृशला वैशाली के